युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज की 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। गोरक्षपीठाधीश्वर व प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ महाराज काशी से पधारे। कथा व्यास जगतगुरु अनंत नंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती महाराजा सहित साधु संतों सपरिवार यजमानगणों एवं भक्त श्रद्धालुओं ने श्री वाल्मीकि रामायण की शोभा यात्रा के साथ महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ का पूजन अर्चना। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज सहित सभी प्रमुख समाधियों पर पुष्पार्जन किया। इसके बाद शोभा यात्रा दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में पहुंची। अखंड ज्योति के स्थापित होने एवं दोनों ब्रह्मलीन महाराज के प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ श्री राम कथा प्रारंभ हुई। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री गोरक्षपीठ की समृद्ध परंपरा को नई दिशा देने वाले युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ भारतीय संस्कृति एवं संत योगियों की परंपरा के दिव्याकांश में चमकते हुए नक्षत्र हैं। उनका व्यक्तित्व कृतित्व तत्कालीन देश काल और परिस्थितियों की चुनौतियों का समाधान करते हुए देश समाज तथा धर्म को समर्पित था। उनकी पूर्ण स्मृति में प्रतिवर्ष सप्ताह भर धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों के साथ समसामयिक विषयों पर सम्मेलन आयोजित कर हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की समृद्ध सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में वाल्मीकि रामायण में अपना विशिष्ट योगदान है। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, वो कर्तव्य नीति नैतिकता मर्यादा के प्रतीक हैं। श्री राम के प्रति भारत में जब तक आगाध आस्था एवं अटूट श्रद्धा रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकती। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। विश्व मानवता को सत्य शांति लोक कल्याण का वास्तविक मार्ग श्री राम का आदर्श ही दिखा सकता है। ऐसे विराट व्यक्तित्व का महापुरुष जिस राष्ट्र समाज एवं संस्कृति की धाती हो उसका माथा गौरव से उठा रहेगा, किंतु दुर्भाग्य से श्री राम जिसे देश के पूर्वज हैं वहां श्री राम का नाम लेने में संकोच करने वालों की कमी नहीं है। जबकि इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका जैसे अनेक देश उपासना पद्धति से ऊपर उठकर श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी जीवन लीला से प्रेरणा ग्रहण करते हैं और गौरवानुभूति की खुली अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद कथा व्यास जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने संगीतमय राम कथा का श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। Thank you.
यह साप्ताहिक कार्यक्रम इसी कथा ज्ञान यज्ञ के साथ प्रारंभ होता है और आज हम सबका सौभाग्य है कि इस वर्ष श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा यहाँ पर हम सबको जगतगुरु अनंतानंद द्रोणाचार्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांति जी के श्रीमुख से श्रवण करने का एक अलौकिक दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ के कथाव्यास पूज्य संत डॉक्टर रामकमल दास वेदांति जी महाराज का इस संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज भारत के संतों और योगियों की परंपरा में दो ऐसे चमकते हुए नक्षत्र हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से तत्कालीन देश काल और परिस्थितियों को प्रभावित करते हुए इस सनातन हिंदू धर्म की सेवा की और समाज के बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हुए उन तात्कालिक परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए वे सदैव धर्म और देश के लिए अपने आप को समर्पित किए। इसलिए वर्ग स्टेज प्रतिवर्ष अपने आचार्य द्वय की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि और पुण्य स्मृति में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक और समसामयिक विषयों से संबंधित उन कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो को प्रभावित करती है और समाज इस वर्ष कथा ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर और उसके आसपास के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होगा। आप सब जानते हैं कि भारत के समृद्ध सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में वाल्मीकि रामायण का अपना अलग ही महत्व है। सबसे पहली बात दरबार में जातीय भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच कोई नीच कोई छुआछूत और कोई अन्य ऐसा भाव नहीं है। मुझे लगता है कि ईश्वर के प्रति जिसकी जैसी दृष्टि होगी ईश्वर की सृष्टि उसके ऊपर उसी रूप में परिस्थिति भी दिखाई देगी। और शिव महर्षि वाल्मीकि उसके एक उदाहरण है। पूर्व जन्म में क्या थे और उन्होंने उस समय के इस संस्कृत के लौकिक ग्रंथ के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किस रूप में किया यह अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें भगवान श्री राम की लीला को वहां की भाषा में वर्णन करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया हो। अकेले भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत की हर भाषा में आपको रामायण मिल जाएगी। दुनिया के अंदर तमाम अन्य भाषाओं में मिलेगी। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यात्रा उत्तर भारत में
उत्तर में अयोध्या से लेकर के दक्षिण में सुदूर श्रीलंका तक थी, लेकिन उनकी यश गाथा को न केवल देश में अपितु तो दुनिया में पहुंचाने का श्रेय अगर सचमुच किसी एक महापुरुष को दिया जा सकता है तो वह महर्षि वाल्मीकि को दिया जा सकता है, क्योंकि दुनिया की जिस भी भाषा में रामायण लिखी गई उसका मूल आधार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही बनी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सबका आधार है। राम नाम के जप का कितना प्रभाव होता है वाल्मीकि उसके जीते जागते उदाहरण है। यानी सच्चे मन से सच्चे हृदय से अगर हम ईश्वर नाम का स्मरण करें तो एक अहम योनि में पैदा होने वाला व्यक्ति भी देवत्व की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि उसके उदाहरण है, हनुमान जी उसके उदाहरण है, सुग्रीव और अंगद उसके उदाहरण है, और दुनिया के अंदर आने वाले इतिहास में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा कालखंड नहीं जब नाम नाम के स्मरण ने लोगों की मुक्ति का मार्ग न खोला हो। दूसरा, महर्षि वाल्मीकि ने जब एक ग्रंथ रचा होगा उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। एक ऐसे त्रिकालदर्शी ऋषि के सामने जब इस पवित्र ग्रंथ की रचना करने की बात आई होगी तो उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का अवलोकन किया होगा। कोई संदेह नहीं कि अपनी साधना से अपनी राम भक्ति से महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हुए थे और उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को, क्योंकि संस्कृति की जो विधा भारत के अंदर चली है एक वैदिक परंपरा की, जो एक सामान्य जन के लिए अत्यंत दुरू और थोड़ा का कष्ट साध्य भी मान सकते हैं, लेकिन एक परंपरा वह जो महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ होती है और मौखिक संस्कृत के माध्यम से उन्होंने समाज को एक ऐसा पवित्र ग्रंथ दिया जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश गाथा को देखते ही देखते दुनिया के अंदर पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज जब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा का श्रवण करने के लिए यहां पर बैठे हैं तो सचमुच हम सबको इस बात का स्मरण करना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा वाल्मीकि के सामने भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, वह कौन पुरुष है जिसके बारे में मैं आगे कोई ग्रंथ रचूं, छंद का उपयोग करते हुए किसी एक बृहद ग्रंथ की रचना कर सकूं, और महर्षि नारद जिस एक नाम का उच्चारण करते हैं वह नाम है श्री राम का, और मुझे लगता है श्री राम के इस नाम पर आधारित इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद इस वर्ष गोरखपुर और गोरखपीठ से जुड़े हुए भक्तों और श्रद्धालुजनों को यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरी बात जो हम सबको समझनी होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल मौखिक ही नहीं पारलौकिक परब्रह्म के रूप में भी हमने उन्हें किस रूप में महत्व दिया कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर स्थितियां क्यों है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति भारत की सनातन आस्था इसको आप किसी देश काल और परिस्थिति में बांध करके नहीं रख सकते। एक अविच्छिन्न पचती आ रही परंपरा है जिसने जातीयता की क्षेत्रीयता की भाषाई दीवारों को तोड़ करके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे भारत को एक किया,
आखिर कोई बात कर रही होगी। हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था आज भी अगर कोई कहता है तो वह शासन की उत्तम व्यवस्था के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा था, उससे पहले भी लोगों ने कहा और आज भी चर्चा होगी इस बात की कि शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था हुई है और किसी को कहा जा सकता है वह राम राज्य की व्यवस्था है। राम राज्य की व्यवस्था को उत्तम क्यों माना गया, हम सबको इसे समझने का प्रयास करना होगा। राम राज्य की व्यवस्था उत्तम इसलिए मानी गई क्योंकि राम राज्य की व्यवस्था में कहीं कोई दुख नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह नहीं, व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं, परस्पर भाईचारे का माहौल है, राम के नाम से ही अराजकता दूर हो जाती है, श्री राम के स्मरण मात्र से ही हर प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है, श्री राम नाम के स्मरण मात्र से ही समाज व्यक्ति या जीव हर प्रकार के भवबंधन से मुक्त होता हुआ दिखाई देता है। और यह केवल बोलने वाली बात नहीं, इसके उदाहरण है और जो भी इसमें डुबकी लगाया है उसने स्वयं इसके प्रभाव को, इस मंत्र के प्रभाव को जाना है, समझा है। और इस दृष्टि से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उस पावन जीवन चरित्र को जिसने हर कालखंड में देश और समाज को मार्गदर्शन किया, हताश और निराश समाज के सामने एक संजीवनी का काम किया, जिसने हर विपरीत परिस्थितियों में लोगों को उन चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा प्रदान की और जिसने अपने स्वयं के या समाज के उद्धार के लिए लड़ाई एक बड़े समुदाय का मार्गदर्शन करते हुए भारत को भी एक राष्ट्र के रूप में यह स्वरूप प्रदान किया जो वर्तमान में आज भारत की है। भाइयों बहनों, जब आप बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, अयोध्या के राजकुमार थे और उत्तर भारत का पहला कोई राजा है जो वधे राजकाट से विरक्त कर दिया हो, जिसने उत्तर से अपनी यात्रा प्रारंभ की, राजपाट से विरक्त होने के बावजूद उत्तर से जो अपनी यात्रा प्रारंभ की और सुदूर दक्षिण तक गए और श्रीलंका तक जाकर के भारत की सनातन धर्म की इस ध्वजा पताका को फहरा करके भारत की एकता, भारत की अखंडता की एक ऐसी दीवार सबके सामने खड़ी की है। जो लोग ये मानते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं और जिन लोगों ने समय समय पर इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिग्विजय यात्रा जो भले ही वनों में 14 वर्ष के वनवास के बहाने रही हो, लेकिन इस दिग्विजय यात्रा का उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि त्रेता में भारत की जिन सीमाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उत्तर से दक्षिण तक खींचा, भारत की सीमाएं आज भी उसी रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रही है। हमने पूरा और पश्चिम की सीमाओं को सुकड़ते हुए देखा है, कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के हिस्से थे, कभी अन्य देश भारत के हिस्से थे, टूटते गए, कटते गए, छड़ते गए, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उत्तर से लेकर के जो यात्रा प्रारंभ की सेतु बंध तक आज भी भारत की वह सीमा, वह भौगोलिक सीमा उसी रूप में मौजूद है। एक अवस्था हम लोग दीपोत्सव के कार्यक्रम में अयोध्या गए थे तो अयोध्या में उस वर्ष हम लोगों ने 6 देशों की रामलीलाओं को भी आमंत्रित किया था और 6 देशों की उस रामलीला के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को महसूस किया। यहाँ पे लोग हो सकता है सोचते होंगे कि रावण की लंका में रामलीला
लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया कि सोने की जो रावण की लंका थी, आज की जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका में भी रामायण और रामलीला का आयोजन इसी रूप में होता है जैसे आप लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे आप अयोध्या में करते होंगे, चित्रकूट में करते होंगे, काशी में करते होंगे, उसी प्रकार की रामलीला है और उसी श्रद्धा भावना के साथ उन्होंने किया है। हम लोगों ने अपने देश के अंदर मोदी जी के आने के पहले हमने राम को बुलाने का प्रयास किया, अयोध्या जाने में संकोच किया, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद उन्होंने रामायण समर्पित के नाम पर भगवान श्री राम से जुड़े हुए स्थलों के विकास की व्यापक कार्य योजना भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया। लेकिन आप इस बात को महसूस करते होंगे कि यहां पर लोग राम के नाम पर संकोच करते हैं, लेकिन श्रीलंका में अशोक वाटिका हो या भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों के प्रति उसी प्रकार का सम्मान का भाव है जैसे अयोध्या जी के प्रति, अयोध्या धाम के प्रति सम्मान का भाव आप सबके मन में है। यानी यह एक राम की महानता का यह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप थाईलैंड चले जाएंगे, आप थाईलैंड में जाएंगे, वहां के राजा अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, वहां के जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन सबको वहां के राजा ने राम के नाम पर बनाया है। राम एक, राम दो, राम तीन, जैसे यहां पर नेशनल हाईवे NH1, NH2, NH3 है, आपके गोरखपुर को लखनऊ जोड़ने वाला जो मार्ग है NH21 है, थाईलैंड में यही मार्ग राम के नाम पर है, राम एक, राम दो, राम तीन, और राजा ने अपना जो महल था ग्रैंड पैलेस वह भी रामायण को दान कर दिया, रामायण की चौपाइयों को जो थाई भाषा में उन्हें चित्रों के माध्यम से पूरे राजमहल में उकेरने का कार्य किया गया। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, हम आश्चर्य करेंगे इंडोनेशिया में रामलीला का आयोजन होता है, अयोध्या में विगत वर्ष हम लोग जब इंडोनेशिया की रामलीला को बुलाया था जितने पात्र थे सब मुस्लिम थे, वे लोग मुझसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे लखनऊ आए थे, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आप लोग तो मुस्लिम हैं, आप कैसे फिर कोई राम बना है, कोई हनुमान बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई सीता बनी है, तो मैंने कहा भी आपको संकोच नहीं होता, मैंने कहा संकोच कैसे, राम पर हमें गौरव की अनुभूति होती है, राम हमारे लिए पूर्वज थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि राम को क्यों आप मानते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसने अपने एयरलाइंस का नाम गरुड़ के नाम पर रखा है, गरुड़ का मतलब भगवान विष्णु की सवारी, उसका नाम ही गरुड़ है, वहां की जो मुद्रा है वह मुद्रा गणेश जी के नाम पर चलती है, गणपति के नाम पर चलती है, और रामलीला वहां का नेशनल फेस्टिवल है, यानी राष्ट्रीय जो पर्व है वह रामलीला का है, रामलीला का मंचन सरकार के स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है, अगर आप यहाँ पर रामलीला का मंचन करने का प्रयास सरकारी कार्यों से करेंगे तो तमाम राजनीतिक दल हैं जो कहने लग जाएंगे कि सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। यानी राम को उन्होंने महापुरुष माना, राम को अपने पूर्वज माना, लेकिन जिस देश के पूर्वज सही मायने में राम है और राम का नाम लेने में लोगों को संकोच होता है, वहां राम को सांप्रदायिकता के समकक्ष रखने का उचित प्रयास होता है, यह भारत को कमजोर करने की विकसित मंशा है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से कहा कि भाई आप मुस्लिम हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, आप क्यों राम को मानते हैं, उन्होंने एक बात सब कही, उन्होंने कहा राम हमारे पूर्वज थे, हमने उपासना भक्ति अपनी उपासना भी नहीं बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, इस्लाम हमारी उपासना भी हो सकती है, लेकिन इस्लाम के पूर्वज हमारे पूर्वज नहीं थे, हमारे पूर्वज तो राम थे, और इसलिए रामायण पर और राम पर हमें गौरव की अनुभूति होती है। विश्व मानवता को जब भी
सत्य न्याय और धर्म के पथ पर चल करके अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना पड़ेगा, उन्हें श्री राम की शरण में आना पड़ेगा। और श्री राम की शरण में आने का एक माध्यम है, मुझे लगता है उसका मूल आधार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान वाल्मीकि ने इस बात को कहा है कि रामो विग्रह मात्र, यानी एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया है, यानी राम साक्षात धर्म के विग्रह है। धर्म के विग्रह का मतलब धर्म एक ऐसी शाश्वत व्यवस्था जो हमें सदाचार के मार्ग पर, जो हमें कर्तव्य के पथ पर, जो हमें नैतिक मूल्यों से जोड़ करके इस समाज की व्यवस्था का संचालन करती है। राम एक शाश्वत पुरुष है, राम एक मर्यादा के पुरुषोत्तम है, श्री राम भारत के आधार स्तंभ है, और जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति भारत की सनातन आस्था रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल माता नहीं कर पाएगी, यह हम सबका विश्वास है। और आज के इस अवसर पर जब हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर अपने कथा व्यास काशी से पधारे जगत गुरु अनंतानंद स्वराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलदास विनंती जी महाराज का एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस साप्ताहिक कथा के माध्यम से आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न पक्षों से प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं के जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने राष्ट्रीय जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज की इस पावन कथा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर हमारे अन्य जो पूज्य संतगण उपस्थित हुए हैं, काशी से हमारे सतवा बाबा भी आए हैं, महंत राजू दास जी अयोध्या से आए हैं, रामविलन दास जी अयोध्या से पधारे हैं, और भी तमाम अन्य संतगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबका प्रति धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में कालीवाड़ी के महंत जी स्वयं करते रहेंगे, लेकिन मैं इस अवसर पर एक बार पुनः इस आयोजन के माध्यम से वर्कस्पीड के उन पूज्य आचार्य हुए ब्रह्मलीन वर्क्स पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन वर्क्स पीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति विज्ञा इस साप्ताहिक कथा का श्रवण प्रतिदिन समय पर आकर के पूरे अनुशासित तरीके से पूरे मनोयोग से कथा का सचमुच आनंद लीजिए और उससे प्रेरणा प्राप्त करिए। जीवन के कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं जो किसी उस कार्य क्षेत्र में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस कथा के माध्यम से न होता हो, मुझे विश्वास है यह पावन कथा आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सफल होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। ओम शांति।